मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में नगर निगम का एक और कारनामा उजागर हुआ है। जी हां, दरअसल मामला ग्वालियर नगर निगम का है, जहां नगर निगम प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आम लोगों को देने के बजाय खुद नगर निगम के अधिकारी उठा रहे हैं, जिसमें यह साफ दिख रहा है कि ग्वालियर नगर निगम खुद योजना का लाभ लेते हुए अपनी जेब भरने में माहिर नजर आ रहा है, जिसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को भी नहीं है। क्या है पूरा मामला, जानिए इस रिपोर्ट। ग्वालियर नगर निगम का एक और कारनामा उजागर। पीएम आवास योजना बनी व्यवसायिक योजना। नगर निगम ने पार्किंग की जगह दुकानें बनाकर बेची। नियम के विरुद्ध की अवैध वसूली। ग्वालियर कलेक्टर को नहीं मामले की जानकारी। प्रधानमंत्री आवास योजना फेज 2 ओहदपुर हल्का में निर्मित किया गया है, जिसमें ब्रोशर के अनुसार सुरक्षित कैंप परिसर, क्लब हाउस एवं पार्क बना है, लेकिन ग्वालियर नगर निगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रस्ताव और नगर पालिका निगम अधिनियम के विरुद्ध जाकर रहवासियों के पार्किंग स्थान पर लगभग 58 दुकानें बनाकर आम लोगों को बेच दी और इसकी खबर उच्च अधिकारियों को भी नहीं है। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रथम फेज महलगांव में है और दूसरा फेज ओहदपुर में, जहां इसके पार्किंग स्थल की जगह पर नगर निगम ने दुकानें बनाकर बेच दी है। साथ ही नियम के विरुद्ध ही लोगों से किश्त अदायगी में देरी बताकर जुर्माना भी वसूला गया, जबकि नगर निगम अधिनियम में उल्लेखित है कि बिना पूर्णता प्रमाण पत्र के फ्लैट सेल नहीं किया जाएगा, लेकिन ग्वालियर नगर निगम नियमों के विरुद्ध जाकर इस कार्य को करने में शुमार नजर आ रहा है। वहीं जब रहवासी से बात की गई, तो उन्होंने इस मामले को विस्तार से बताया। साथ ही जब कलेक्टर से इस पूरे मामले को लेकर बातचीत की, तो पता चला कि उन्हें मामले की जानकारी ही नहीं है। सुनिए रहवासी, आरटीआई एक्टिविस्ट, दुकानदार और कलेक्टर का क्या कहना है। ग्वालियर से संवाददाता योगेश पिसारिया की ग्राउंड रिपोर्ट। इस समय हम खड़े हैं ओहदपुर पर। ओहदपुर पर यहाँ पर नगर निगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना की जो योजना प्रधानमंत्री निकाली है, तो यहाँ पर उन्होंने फ्लैट बनाए हुए हैं, उसके नीचे नगर निगम द्वारा 58 दुकानें बेच दी गई हैं, जो कि प्रधानमंत्री योजना के विरुद्ध है, ऐसा नियम है यहाँ। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर नगर निगम ने अपनी झोली भरी है और यहाँ दुकानें बेच दी। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि लगभग दुकानें उन्हीं को बेची गई हैं जिनके ऊपर फ्लैट है, जबकि कानून ऐसा नहीं है कि दुकान एक भी यहाँ पर बनाई जाए, या क्योंकि चूंकि यहाँ पार्किंग होती है, लेकिन पार्किंग या नगर निगम ने दुकान बना रखी है। तो इस पूरे मामले पर प्रकाश डालने के लिए मेरे संग हैं ब्रजेश मिश्रा जी। मिश्रा जी, आपका स्वागत है सर। हाँ सर। पे तो सर क्या कहेंगे, ये पूरा मामला नगर निगम ने दुकानें बनाई है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है ये महल गांव पे प्रथम फेज और उसका दूसरा फेज ये ओहदपुर पे आप जहां खड़े हैं इस वक्त, यहां पर कई दुकानें बनाई गई हैं, जबकि ये दुकानें नहीं बननी थी, ये यहां के रहवासियों के अपने कार पार्किंग और पार्किंग का स्थान था, लेकिन क्या किया उन्होंने दुकानें बना करके और धड़ल्ले से इसको बेची, विज्ञप्तियां निकाल निकाल के बेची। जब उनसे हमने ये सवाल किया कि ये आपने दुकानें कैसे बेची हैं, तो उनने कहा कि वो EAWS के और LIG के मकान बनाने के लिए पैसा कहाँ से आता, तो उसके लिए विचार किया गया और ये किया गया, यानी सब गोलमाल जवाब। ये मैंने पूछा था संपदा अधिकारी से भी, मैंने पूछा था और मैंने आपके सिटी प्लानर से भी पूछा था, यानी जो पवन सिंघल जी हैं, तो उन्होंने इस पर कभी स्पष्ट जवाब नहीं दिया कि ये हमारी मजबूरी है, कैसे बनाएंगे, क्यों। अरे कमाल है, प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, कि ये प्रधानमंत्री व्यवसाय योजना है। आपने आवास योजना में प्रधानमंत्री व्यवसाय योजना कैसे बना दिया, नियम कानून में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है। यानी आपने हर जगह ऐसा कार्य किया है जिससे कि नियम और कानून को धता बताया जा सके। आपने अपनी मनमानी की है, आपके खुद के नियम कानून है, नगर निगम के नियम कानून है, एक्ट बना हुआ है, उन सब चीजों की अनदेखी करते हुए और जो प्रस्ताव है प्रधानमंत्री आवास योजना का उसकी अनदेखी करते हुए आपने दुकानें कैसे बनाई, आपने पार्किंग का स्थान कैसे खत्म किया लोगों का। और ये कहना गलत है कि इसमें ऊपर जिनके मकान है उन्हीं को दुकान दिया गया, होस्ता है इक्का दुक्का केस ऐसा भी हो, लेकिन बहुतायत तौर पर यह विज्ञप्ति निकाल निकाल के अलग से बेचा गया है, ये कोई मकान वालों को नहीं दिया गया है। अच्छा सर, एक चीज बताएं कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना पूरे भारतवर्ष में लागू हुई है, तो ग्वालियर में कई जगह मकान बनाए गए होंगे। हाँ, तो सर हर जगह दुकान दिया है कि सिर्फ यही ओहदपुर में? अरे साहब, आप महलगांव पहाड़ी पे देख लीजिए, इतने मकान बनाए हैं, क्या एक भी दुकान है वहां पे? एक भी दुकान देखने को आपको नहीं मिलेगी। आपने यहाँ कैसे बनाया? आपके सामने में आपकी जमीन पड़ी हुई है नगर निगम की, आप वहां दुकान बनाते, आपने यहाँ प्रधानमंत्री के योजना के अंदर में अपनी दुकान योजना आपने कैसे घुसेड़ दी?
समथिंग सर कितने कितने लाख की दुकानें बिकी? अरे साहब जो मैंने पढ़ा था 13 लाख 14 लाख से शुरू हुई थी, 25-30 लाख तक गई है। आपके सामने आ गए, कौन सज्जन होता है, यही रहते होंगे। तो यहाँ पर एक सज्जन और हमारे आ चुके हैं जो कि ये इसी यहाँ पर इन्हें आवास योजना मकान खरीदा है। जी मैं फ्लैट में, मेरा M8 ब्लॉक में 707 में फ्लैट है, मैंने 4 साल पहले बुक किया था। तो कितने का लिया था आपने? मैंने ये 21.5 लाख का लिया, मतलब 20,90,000 का और 2.5 लाख रुपये रजिस्ट्रेशन, टोटल 23.5 लाख में पड़ा था मुझे। और यहाँ पे पहले तो मतलब दुकानों वगैरह का नहीं था, लेकिन दुकानें कम करने से हमारी एक तो पार्किंग कम हो गई है, पार्किंग के लिए आए दिन झगड़े होते हैं, एक दो बार तो लड़ाई वगैरह भी हो चुकी है, पर बड़ी मुश्किल से शांत किया गया। और सबसे मेन समस्या यहाँ पे पानी की समस्या आ रही है, यहाँ पे कभी भी पानी खत्म हो जाता है। यहाँ पे हम नगर निगम को भी शिकायत कर चुके हैं, कमिश्नर साहब भी आए थे, लेकिन अभी तक उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाया है। नाम बताएं कौन आए थे? कमिश्नर साहब हर सिंह आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दे के गए थे कि हम करेंगे। हम 4-5 बार वहाँ पे जन सुनवाई में और लेटर वगैरह निगम में भी दे चुके हैं कि पानी की समस्या सॉल्व हो पाए। और दूसरा, जब हमें ये यहाँ पे फ्लैट बुक किया था उस टाइम पे हमें एक कैटलॉग मिला था, बुक मिली थी, वहाँ पे हमें बताया गया था कि आपकी पार्क, पार्किंग, कम्युनिटी हॉल और ये पूरा बाउंड्री वॉल और गेट बंद कॉलोनी बनाएंगे और मतलब बिल्कुल सुरक्षित परिसर रहेगा। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारी सुविधा हमें मिली नहीं है, ना तो प्रॉपर पार्किंग मिली है और ना ही यहाँ पे बाउंड्री वॉल है। ये पूरा ओपन एरिया है, कभी भी कोई भी आ जाता है, कभी पार्किंग के सीट वगैरह में गाड़ी की फाड़े आते हैं। और एक बार तो दिन में यहाँ पे 12-1 बजे चोरी भी हो गई, 2-3 लाख का माल यहाँ से निकल गया था इस फ्लैट नंबर M7 ब्लॉक में। ये दुकानें किसके द्वारा बेची गई हैं? ये दुकानें निगम के द्वारा बेची गई हैं और हम लोगों ने इसके लिए ऑब्जेक्शन भी उठाया, निगम से भी बोला कि यहाँ पे बाउंड्री वॉल कराइए, ये दुकानों की वजह से हमारी बाउंड्री नहीं हो पा रही है, गेट भी नहीं लग पा रहा है। में है कि नियम है कि दुकान बन सकती है कि नहीं? नहीं, नियम वैसे दुकान प्लानिंग में नहीं थी, पहले स्टार्टिंग में बनाई थी, बाद में फिर ये बना के सेकंड प्लान को चेंज किया गया है, उसके द्वारा उन्होंने बनाई है। पर मेन इशू, चलो ठीक है दुकानें जैसे बना भी ली, लेकिन पार्क, कम्युनिटी हॉल और पार्किंग और ये तीनों चारों सुविधा हमें मिलनी थी, वो मिली नहीं है। अब या तो हमें ये सुविधा दे दें, उनके पास जगह वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। फ्लैट सारे बिक चुके? हाँ, फ्लैट सारे बिक चुके हैं, 90% रजिस्ट्री भी हो गई, अभी 60% लोग यहाँ रहने आ चुके हैं, लेकिन परेशानियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, कोई सुनवाई हो नहीं रही है। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरी कलेक्टर महोदय से भी 2-3 दिन पहले चर्चा हुई थी, सबसे बड़ी बात, यहाँ ग्वालियर कलेक्टर को नॉलेज में ही नहीं है, ये जानकारी नहीं है। उनने खुद कहा मुझसे कि मैं आपके द्वारा, मुझे संज्ञान में आया है कि नगर निगम ने यहाँ पर दुकानें बनाई हैं, उनके संज्ञान में नहीं है। जो जिले की मालिक हैं रुचि चौहान कलेक्टर हैं, उनके नॉलेज में नहीं है बात। ऐसे कई मुद्दे उनके मैंने नॉलेज डाले जो नगर निगम द्वारा और कई विभाग द्वारा, लेकिन उनके नॉलेज में नहीं है। क्यों? अधिकारी उन्हें बनाते नहीं हैं। तो ये सारा पूरा मामला है और अब ये देखेंगे कि भाई कार्रवाई कैसे करती है कलेक्टर महोदय या ऊपर बैठे आला अधिकारी, क्या इसकी कार्रवाई करेंगे नहीं करेंगे। मैं योगेश बिसारिया, MK नेशनल न्यूज चैनल, ग्वालियर। आवास योजना के तहत पहले बता दो मैटर क्या है ना, क्या हुआ? आवास योजना के तहत पहले बता दो मैटर क्या है ना, क्या हुआ? आवास योजना के तहत पहले बता दो मैटर क्या है ना, क्या हुआ? ये जाला जी, ये जगह कौन सी जालाती है? ये है औदपुर। तो ये दुकानें आपकी जो बनी है, कहाँ, किसके नीचे बनी हुई है? मल्टी के नीचे है। कहाँ दुकानें बनी है? प्रधानमंत्री आवास योजना। अच्छा, तो आपने दुकान जो ली है तो ये आपकी खुद की है, किराए से लिया? किराए से भैया। किससे लिया आपने? भदौरिया जी से लिया। भदौरिया जी से। तो कितना किराया देते हैं? 9,000। और ये टोटल दुकानें कितनी? 58 दुकान है। 58? सारी दुकानें बिक रही हैं। अच्छा, ये मैं पूछना चाह रहा था, एक सवाल होता कि यहाँ आप बता रहे थे कि जिनकी मल्टी ऊपर मकान की दुकानें, कैसे, कौन? ज़्यादातर फ्लैट वालों की दुकान है। फ्लैट वाले दुकान है? और दुकानें किससे लिए हैं? नगर निगम के द्वारा। नगर निगम के फ्लैट भी हैं, दुकान भी हैं। अरे भदौरिया के फ्लैट भी हैं? नहीं, उनका भदौरिया जी का नहीं है, बाकी औरों के फ्लैट हैं। फ्लैट और दुकान है। अच्छा, अब जी खुली है, उनका फ्लैट भी है, दुकान भी है। अच्छा, फ्लैट उनका है। हाँ, तो वो खुद मिलेंगी अभी हमें? अभी नहीं, कोई नहीं मिलेगा, चलेंगे ये बंद कर। ये दुकानें जो बिकी हैं किसके द्वारा बिकी? नगर निगम के द्वारा। नगर निगम के द्वारा। तो समथिंग आपको ऐसा आइडिया होगा कितने बिकी हुई है? अभी इतना क्यों, अपन किराए से लिया, इतना नहीं किराएदार है? नहीं, ये दुकान मालिक ही है, ज्यादातर दुकान मालिक ही खोले हैं। आप मैं किराए? तो आपने देखा कि कैसे ग्वालियर नगर निगम नियमों के विरुद्ध जाकर अवैध वसूली करने में शुमार होता दिख रहा है। अब देखना होगा कि ग्वालियर कलेक्टर रुचि चौहान इस पूरे मामले में कब और क्या कार्रवाई करेंगी, और कार्रवाई होगी भी या ये पूरा मामला यूं ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा।